इस मौजू पे अब कोई बात नहीं होगी। तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारे अबू चाहते हैं, बल्कि करोगी नहीं ये साबित भी करोगे, आइंदा अपने अबू को किसी शिकायत का मौका नहीं दोगे, वरना इस बार तुम्हारे अबू नहीं मैं तुम्हारा गरेबान पकड़ूं। मगर अम्मी, मैं उसके साथ खुश नहीं रह सकता जैसे मैं पसंद ना करता हूँ। और अपने अम्मी अबू को नाखुश करके तुम खुश रह लोगे? आप बद्दुआ दे रही हैं मुझे। बद्दुआ नहीं दे रही हूँ, समझा रही हूँ। देखो, अगर तुम्हें मुझसे रिश्ता कायम रखना है, अपने बाप से रिश्ता रखना है, इस घर से रिश्ता रखना है, तो तुम वही करोगे जो हम चाहते हैं, वरना मैं भूल जाऊंगी कि मेरा दानियाल नाम का कोई बेटा भी है। मगर अम्मी मेरी बात, बस बात खत्म हो गई। मैं, हेलो, सलाम अलैकुम वलीद जी। जी मैं अभी आती हूँ। अरे अम्मी क्या हुआ, खैरियत तो है? आप परेशान क्यों होगी? तुम घर से कहीं बाहर नहीं जाओगे, मैं आती हूँ वापस। यही कहना, कुछ भी कहने से पहले वो वक्त याद करें जब जब मैंने अपनी बेटी को आपके हवाले किया था। वो मेरी मर्जी नहीं, मेरी मजबूरी थी कि मैंने अपने जिगर का टुकड़ा निकालकर आपकी गोद में रख दिया, और आपने मेरे साथ क्या किया? तो फिर वलीद भाई, आप भी उस दिन को याद करें जिस दिन डॉक्टर्स फातिमा की जिंदगी से मायूस हो गए थे। उस दिन को याद करें जिस दिन सायरा ने अपने दूध की कीमत मांगी थी आपसे। ना भूलें वो दिन जिस वक्त सायरा आपकी रोती बिलखती जान से जाती हुई फातिमा को आपके घर छोड़कर चली आई थी। जिस दिन फातिमा को मैंने सीने से लगाया था, उसकी परवरिश की है मैंने, फातिमा को दूसरी जिंदगी मिली है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं था क्या फातिमा से उसकी पहचान छीन ले, उसकी वंदियत बदलने का गुनाह करें? मैं क्या करता वली, जब से फातिमा मेरे घर आई, खुशियों के दरवाजे मेरे लिए खुलते चले गए। मैं फातिमा को अपना नसीब समझ बैठा था। मैंने अपनी जात का सारा प्यार फातिमा पर निछावर कर दिया, लेकिन जब जब ये ख्याल आता था कि फातिमा कहीं मुझसे जुदा ना हो जाए, तड़प उठता था वलीद। फातिमा के लिए आपकी मोहब्बत की मैं कदर करता, आपका शुक्रिया भी अदा करता, लेकिन अपनी बेटी की शुदाई में जिस तरह महत्व हूं उसका हिसाब कौन देगा? मेरी अपनी बेटी जब आपके हवाले कर दी तो आपने मुझे उसका क्या सिला दिया? अमेरिका जाते ही कुछ दिनों बाद ही सारे रास्ते खत्म कर दिए। इतना बड़ा सुन और वापिस आकर भी आपने मुझे खबर नहीं बनी थी। ये तो मेरे रब का शुक्र है कि मेरी फातिमा मेरे सामने आ गई, वरना आप तो शायद मुझे कभी उससे मिलने भी ना मिले।